नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में। देखिए, जब मैं बैंकिंग के बारे में कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं बहुत सारे चीज़ आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे डेटा आपको जानना चाहिए बैंकिंग के बारे में। क्योंकि बैंकिंग का जो मतलब डेटा है वो बाकी सारे कंपनी से थोड़ा सा अलग होता है। तो मैं आज इस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपको फ्यूचर में जरूर आपको एक मतलब स्टेननेस आपको जरूर देंगे। तो चलो मैं आज बात कर लेता हूँ इसी कंपनीज के बारे में, जिसका नाम है फेडरल बैंक। तो आज मैं फेडरल बैंक के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर फेडरल बैंक के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए। और पिछले दिनों में इसके ऊपर एक न्यूज भी आया था, और ऑब्वियसली वो पॉजिटिव न्यूज है। तो उसके चलते हुए मैं चलो आज मैं उसके ऊपर वीडियो बना ही दिया। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा, साथ ही साथ कंपनी के ऊपर बहुत सारे जानकारी आपको जो मिलेगा, जो आपका फ्यूचर के लिए आपको बहुत सारा पॉजिटिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो चलो एक एक करके मैं पूरा सारे डिटेल्स आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो फेडरल बैंक के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक देखा जाए तो प्राइवेट बैंक है, और प्राइवेट बैंक होने के नाते भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मैं आपको पहले एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। आप देखेंगे तो कंपनी का जो हैप्पीस कस्टमर, देखिए ये मेरे बात नहीं है, कंपनी खुद वेबसाइट में दिया हुआ है, आप जाकर खुद चेकआउट कर सकते हैं। देखिए कितना हैप्पीस्ट है कितना अनहैप्पीस्ट है वो आपको तो खुद ही पता चलेगा, अगर आप इस कंपनी के ऊपर मतलब अकाउंट्स ओपन करके रखे हैं तो। और यहाँ पे देख सकते हैं हैप्पीस्ट कस्टमर कंपनी बता रहा है कि करीबन करीबन 1,27,13,226, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा कस्टमर इसके पास है। तो फिर भी कंपनी का जो बैंकिंग आउटलुक है करीबन करीबन 1,323 मतलब टोटल आउटलुक्स है, तो इतने सारे बैंक कंपनी ने आउटलुक बना के रखा। और कंपनी के टोटल ATMs है 1,355, तो 1,355 का टोटल ATMs है, और करीबन करीबन 515 जो कैश जो रिसाइकलर्स है, मतलब कैश रिसाइकलर्स मतलब कैश को मतलब भरने का जो जिम्मेदारी लेते हैं तो उसको कैश रिसाइकलर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे ATMs के लिए इतने सारे कैश रिसाइकलर्स है कंपनी में, एक स्ट्रेंथनेस आपको जरूर यहाँ पे दिखेगा। तो कितना स्ट्रेंथ है वो मैं अभी आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो उससे पहले कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो कंपनी का जो अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट आया है BFSI.com, BESI.com, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कंपनीज है, तो इसके ऊपर यहाँ पे अनाउंसमेंट किया। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी के साइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं अब इस डेटा को देखने के लिए। तो अब देख सकते हैं फेडरल बैंक ने क्या किया, यहाँ पे देखिए इन जो ई रेगुलेटरी 15 न्यू ब्रांचेस, मतलब कंपनी फिर से 15 न्यू ब्रांचेस यहाँ पे ओपन किया है, न्यू ब्रांचेस 15 ओपन किया है। और वो भी पहले कितना था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए कंपनी चेन्नई बेसिस रिपोर्ट आया है, यहाँ पे देखिए प्राइवेट सेक्टर फेडरल बैंक अंडर द एक यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन ड्राइव हिज इन रेगुलेटेड 15 न्यू ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्रीज, मतलब ऑल ओवर इंडिया में टोटल 15 ब्रांचेस ओपन किया गया। उनमें से आप देखेंगे तो द केरला बेस्ड बैंक सेड ऑन थर्सडे के दिन, मतलब केरला बेस्ड जो इसका जो हेडक्वार्टर एक्चुअली केरला बेस्ड है, तो यहाँ पे उन्होंने खुद बताया है कि यहाँ पे 15 ब्रांचेस ओपन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए अमोंग द 15 ब्रांचेस 7 आर तमिलनाडु, मतलब 7 ब्रांचेस 15 से 7 ब्रांचेस तमिलनाडु में ही बन गया, और बाकी ब्रांचेस अलग अलग स्टेट में यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए ओवरऑल यहाँ पे देखिए प्रेजेंस टू 171 ब्रांचेस इन द स्टेट, मतलब स्टेट में ओवरऑल देखा जाए तो 171 ब्रांचेस बना, वो भी चेन्नई में, और बाकी कितने सारे ब्रांचेस हैं मैं पहले तो आपको बता दिया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर ओपनिंग 10 ब्रांचेस इन द सिंगल डे जस्ट जून सॉरी डे लास्ट जून वी आर ओपनिंग 15 ब्रांचेस अक्रॉस वेरियस लोकेशन, द बैंक वुड कंटिन्यू द फोकस ऑन यहाँ पे देखिए जो टेरिटोरीज लाइक तमिलनाडु तेलंगाना गुजरात या फेडरल बैंक हेड ब्रांचेस बैंकिंग, यहाँ पे ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा पॉजिटिविटी होता है कोई भी बैंकिंग के लिए जब वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच ओपन करते हैं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच कब ओपन करेंगे, मान के चलिए आपका एक दुकान है, आपका एक शॉप है, आपका एक दुकान है, आप आपके मतलब सिटीज में है, आप जहाँ जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे है,
आप चाहते हैं आपका सिटीज में बहुत सारे जगह पे आपका और भी आउटलेट हो, तो आप क्या करेंगे, आप एक एक करके ओपन करेंगे। तो एक एक करके ओपन करेंगे, जब आपके हाथ में पैसा आएगा तो कंपनी एक साथ 15 ब्रांच ओपन किया, इसका मतलब कंपनी के हाथ में तो बहुत पैसा, मतलब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि ब्रांच ओपन करने के लिए बहुत सारा कॉस्टिंग आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंस होता है। तो उसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन में जरूर कहूँगा, क्योंकि कंपनी ने एक साथ 15 ब्रांचेस ओपन किया और एक दिन में ही 7 ब्रांचेस, सॉरी 10 ब्रांचेस का ओपन किया एक दिन में ही। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो क्या इस पॉजिटिव साइन के बेसिस से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो उसके लिए कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन देखना चाहिए। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मुझे जो इंटरेस्ट लगते हैं, मुझे इंटरेस्ट लगते हैं, मतलब जो पॉइंट आपको भी मैं दिखा दिखा कर मुझे इंटरेस्ट लगेगा और आपको भी बहुत सारे सीखने को मिलेगा, वो पॉइंट मैं आपको सबसे पहले शेयर करता हूँ। आप देखेंगे तो इस साइट, आप टिकर फिनोलॉजी डॉट कॉम साइट के ऊपर जाकर भी देख सकते हैं, तो बहुत शानदार यहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना, हर साल में देखेंगे तो एक ही एवरेज लेवल में 10%, चलो ठीक है। रिटर्न ऑफ एसेट, रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूँ तो एसेट कंपनी का परसेंटेज बहुत कम है। सबसे बड़ी बात, कंपनी का एनपीए, इस चीज को ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेजर करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखना होगा, क्योंकि एनपीए ही कंपनी को बर्बाद कर सकते हैं, कोई भी बैंकिंग को खड़ा कर सकते हैं। एनपीए मतलब आप सभी जानते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब कंपनी का एसेट क्या है, पहले वो समझना पड़ेगा। दो तरीके से चीज होते हैं अकाउंट्स में, एक है लायबिलिटी और दूसरा है एसेट। तो लायबिलिटी क्या है, बैंक ने जो मतलब सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट से, साथ ही साथ आप देखेंगे तो एफडी से, इस तरीके से चीज से बैंक ने जो लोन लिया, लोन मतलब बैंक भी तो कस्टमर से पैसा लिया एट ए टाइप ऑफ लोन, तो उसको भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि चलो सेविंग में 3% देंगे, एफडी में 6.5% देंगे, तो उसको भी तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो बैंकिंग के लिए वो एक लाइबिलिटीज हो जाता है। और एसेट क्या होते हैं, बैंक ने जो लोन बांटा, मान के चलिए बैंक ने कॉर्पोरेट लोन बांटा, बैंक ने कोई गाड़ी खरीदने के लिए लोन दिया, साथ ही साथ घर खरीदने के लिए लोन लिया, पर्सनल लोन दिया, वो बैंक के लिए एसेट होगा। मतलब लोन्स, ऑल लोन्स आर एसेट। तो बैंकिंग का जो एसेट है उसी को बोला जाता है, वो एसेट, बैंकिंग का जो एसेट है, वो एसेट कितना एसेट मार्केट में पड़े हुए हैं, जो एसेट का वैल्यूएशन बैंकिंग को नहीं मिलने वाला, मतलब जो एसेट से जो लोन कंपनी ने बांटा है, वो लोन बांटे हुए लोन से पैसा नहीं आने वाला, तो उसको बोलता है एनपीए। तो एनपीए का परसेंटेज जितना कम होगा उतना ही खास है। तो कंपनी का एनपीए का परसेंटेज मुझे 1% के आसपास लगा, मतलब मुझे ज्यादा लगा। तो आप मतलब फेडरल, मतलब सॉरी एचडीएफसी बैंक, साथ ही साथ कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इसका देखेंगे तो इसका एनपीए जो है वो आपको कम दिखेगा, अराउंड 60.60% के आसपास। तो फिर भी मैं कहूँगा कंपनी 1% के नीचे है, तो कोशिश जरूर कर रहा है, पॉजिटिवली कोशिश कर रहा है। और एनएम जो है, एनएम भी आपको यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हाइक दिखा। और एडवांस ग्रोथ जो है, एडवांस ग्रोथ 9.90 है। पेग रेशियो मुझे ज़्यादा लगा, क्योंकि पेग रेशियो अराउंड 1 रुपीज़ के आसपास होना चाहिए था, तो पेग रेशियो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। तो पेग रेशियो क्या है, इसका डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करिए ना। और यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी क्या है, और उससे पहले आपको मैं सी ए आर परसेंटेज दिखा देता हूँ। सी ए आर परसेंटेज 14.62 है, इसका मतलब कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है, मतलब खुद का जो कैपिटल है, मतलब कितना बैंकिंग के पास कितना पैसा जमा हुआ है, कितने परसेंटेज पैसा जमा हुआ है, तो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से आपको 9% के ऊपर होना चाहिए। तो एक्चुअली वर्ल्ड बेसिस देखा जाए तो 8%, इंडिया में इसका रूल थोड़ा सा अलग है, 9% तक। तो 14.62% इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो यहाँ पे देखने को मिला। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना खास है। तो 14.62 है, मतलब एक एवरेज लेवल में है, उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप बड़े बैंकिंग को देखेंगे तो उसको 20% के ऊपर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कंपनी का, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी जो है, कंपनी का जो लाइबिलिटी में पहले आपको बता दिया, जो सेविंग्स अकाउंट, एफडी अकाउंट है, उसमें दूसरों को आपको पैसा देना पड़ेगा, बैंकिंग को पैसा देना पड़ेगा, तो वो लाइबिलिटी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो जितना कम होगा, तो 3 से अगर नीचे होता तो अच्छी बात होता, तो 4.56 है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कंपनी के और चीज़ आपको दिखा दूँ, कंपनी छोटा है 22,000 करोड़ का, तो फिर भी लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। कंपनी के पास कर्जा जो है करीबन करीबन 2 लाख करोड़ का, 10% इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो कंपनी प्रॉफिट भी किया है, फिर भी इसका कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आपको साल भर के दिखा दूँ, तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट के रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं, मगर कंपनी आपको रिटर्न के हिसाब से 10% तक आपको रिटर्न दिया। और इन्वेस्टर के बारे में बात कर तो इन्वेस्टर भी देखिए, एफआईएस के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग पहले था,
मगर आज वो माल बेच दिया, 26% होल्डिंग है। आज देखा जाए तो कंपनी के पास, डीएस के पास 42% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 31% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ, हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। और कंपनी के ऊपर आपको चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो कंपनी जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद लगातार ग्रोथ किया था, उसके बाद कंपनी ने देखिए यहाँ पे लगातार गिरते गए और यहाँ पे कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आया, और उसके बाद देखिए बहुत दिनों तक एक ही लेवल में काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, लॉन्ग टर्म विजन के लिए कंपनी कुछ अच्छा कर सकते हैं। देखिए हर कोई कंपनी, HDFC कोडक तो मतलब बनने के लिए उसको टाइम देना पड़ेगा, कंपनी उतना पुराना नहीं है, कंपनी को टाइम देना पड़ेगा तभी कंपनी बड़ा हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।